हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन कल हम श्रवण करे थे श्री चैतन्य भागवतम के मध्य खंड से, दूसरे अध्याय से। टेक्स्ट 230, जब भगवान ने श्रीवास पंडित के यहाँ, गौर सुंदर ने श्रीवास पंडित के यहाँ कीर्तन करना शुरू किया, तो उस समय जो एथिस्ट थे, जो नास्तिक लोग थे, उनकी नींद खराब हो जाती थी और उनकी नींद खराब हो जाती थी और वो सबसे कहते थे कि इन लोगों के ऊपर क्या पागलपन आ गया है, ये रात भर गाते रहते हैं। वो बोलते थे कि भगवान भी नाराज हो जाएंगे इन लोगों के ऊपर, ये रात में रात भर गाते रहते हैं श्रीवास पंडित के। कई लोग पूछते किस प्रकार के कीर्तन कर रहे हैं ये मूर्ख ब्राह्मण, जो श्रीवास है ये इन सबके पीछे है, श्रीवास के कारण ये सारा हो रहा है, क्योंकि तो श्रीवास पंडित के आंगन में कीर्तन होता है। आगे उससे क्या आगे, आज 230 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे ये सब जो है। तभी तो महाप्रभु ने श्रीवास के यहाँ कीर्तन करना शुरू कर दिया। आगे बोलते हैं, मांगिया खाबीरा लागी मेरी चारी भाई, कृष्ण बोली डाका छाड़े जेना महा। भाई आसपास के लोग सारे जो नास्तिक लोग थे बोलने लगे, ये
शिवास पंडित और चार भाई थे, तो इसलिए बोलते हैं अपने पेट भरने के लिए मांग के, भीख मांग के अपना पेट भरने के लिए चारों भाई जो है जोर जोर से कृष्ण का नाम लेते हैं। ऐसा लगता है इनको पागलपन आ गया है। मने 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 बोली ले कि पुण्य नहीं है बड़ करी डाकिला की पुण्य उपजे। क्या ये लोग अपने मन में जप करके पुण्य नहीं कमा सकते? क्या जोर से जप करने से ही पुण्य आता है, भक्ति मिलती? ये सब नास्तिक लोग बोलने लगे कि हाँ बोले अरे भाई पड़ीला प्रमाद शिवा से रे लागी है ला देश रे उत्साह। किसी ने बोला भाइयों हम तो अब तो अंधेरे के दिन आ गए, शिवास के कारण पूरा देश बर्बाद हो जाएगा ना, शिवास के जिस प्रकार से जोर जोर से कीर्तन से प्रलय आने वाला लगता है। आजी मुनि देवैया ने सुनी लन सब कथा राजा आज्ञा दुई नाव ऐसी है था। ये मैंने सुना है कि आज सुबह जो यहाँ का नवाब है उसके ऑर्डर पे दो नाव भर के यहाँ आ रही। सुनी के नदिया रे कीर्तन विशेष धारिया निवारे हैला राजा राधेश। जो यहाँ का नवाब है उसने नदिया में जोर जोरदार जो कीर्तन चल रहा है उसके बारे में सुन लिया है, इसलिए उन्होंने दो नाव भर के अभी भेजा है लोगों को, ये सारे कीर्तन वालों को गिरफ्तार कर लिया जाए, इनको अरेस्ट कर लिया जाए। ये तेरी के पाली में श्रीवास पंडित आमा सभा लानिया सर्व नाश उपस्थित। अब ऐसा लगता है कि श्रीवास पंडित कहीं भाग जाएगा किसी दूसरी दिशा में और हम हमारा विनाश होने के लिए हमें छोड़ जाएगा। आखा ने बोली न मुनि हैया मुखर शिवा से रे घर फैली गंगा रे भीतर। तो आपस में लोग दूसरे से बात कर रहे हैं, मैंने तुमको पहले ही बोला था कि श्रीवास पंडित के घर को गंगा में फेंक देना चाहिए, इतना उत्पात मचारा जोर जोर से कीर्तन करके। ताखा ने ना कहले इहा परिहासे जाने सर्वनाश है बे देखा विद्यमान। तुमने इस पे ध्यान नहीं दिया, तुमने इसको परिहास ले लिया, जोक ले लिया। अब देखेंगे कि श्रीवास पंडित किस प्रकार से इस पूरे प्रदेश को देश को नष्ट करता है। कि हाँ बोले आमारा सबारा कौन दाए शिवा से बंधिया अदीबा जेबा आसी जाए। कोई और बोलता है हमको इससे क्या लेना देना, हम तो श्रीवास पंडित को बांध देंगे और जो भी आएगा उसको दे देंगे, श्रीवास पंडित को ले जाओ यहाँ से। यही मत कथा है ले नगरे नगरे राजा नौका ऐसे वैष्णव है धरी भरे। गांव गांव में नगर नगर में ये समाचार चारों तरफ फैल गया कि नवाब के लोग आ रहे हैं और वो वैष्णव को अरेस्ट कर देंगे। वैष्णव ने समाज सबे यही कथा सुनी ला गोविंद स्मरि स्मरणहरि सबे भय निवारिला। जब वैष्णव ने भी ये सुनी समाचार तो उन्होंने उन्होंने अपने भय को खत्म करते बोला गोविंद का ध्यान कर, गोविंद का स्मरण कर। जी करीबे कृष्णचंद्र से ये सत्य है से प्रभु था कि ते कौन आधा मेरे भाई। कृष्ण हमसे जो भी परीक्षा ले रहे हैं वो परीक्षा लेने दो, हम लोगों को दुष्ट लोगों से क्यों गुजरना चाहिए जब भगवान है। तो जब भगवान कृष्णचंद्र पर्सनली व्यक्ति के रूप से हमारे पालक के रूप में रक्षा के उपस्थित है तो हमें कोई कारण नहीं है डरने का।
श्रीवास्तव पंडित है, बहुत बड़ा परम उदार, जय कथा सुने से ही पते हैं तहां। श्रीवास पंडित तो बहुत उदार व्यक्ति था, उसने जो भी सुना उसके ऊपर उसे परम विश्वास था। यमनेरे राज्य देखी मने हैला भय, जानी लेने गौरचंद्र भक्ते रे हृदय। शिवास पंडित को लगता कि यमन लोग राज्य कर रहे हैं, इसलिए वो फियरफुल हो गया। यमन लोग राज्य इसलिए थोड़ा भयभीत हो गया, और गौरचंद्र जो है अपने भक्तों का हृदय जानते थे। प्रभु अवतीना नहीं जाने भक्तगण, जाने नीता आराम मिला श्री सच्चिनंदन। भक्तों को पता नहीं था कि भक्तों को पता नहीं था कि भगवान स्वयं अवतरित हुए, इसलिए सची पुत्र ने अपने आप को प्रकट करना शुरू किया। निर्भय वेदाय महा प्रभु विशंभर, त्रिभुवने अद्वितीय मदन सुंदर, सर्वांगे लेपी अचेना सुगंधि चंदन, अरुण अधर शोभे कमल नयन, चंचल चिकुर शोभे पूर्ण चंद्र मुख, स्कंधे उपवीता शोभे मनोहर रूप, दिव्य वस्त्र परिधान अधरे तांबुला, कौतुके केले ना प्रभु भागीरथ कुला। महाप्रभु विशंबर, जिनकी तुलना तीनों जगत में नहीं की जा सकती, और जो कामदेव से भी ज्यादा आकर्षण करने वाले, बिना भय के भय रहित होके पूरे नवद्वीप में घूमते रहे, उनके पूरे शरीर पे सुगंधित चंदन का लेप था, उनकी जो लोटस आई थी, कमल आंखें थी, और उनके होंठ सुंदर आकर्षक लग रहे थे, उनके जो कर्ली हेयर थे, जो घुंघराले बाल थे, उनके फेस को शोभा दे रहे थे, इस प्रकार फुल मून के समान लग रहा था, और जो उनके शरीर पे ब्राह्मण थ्रेड था उससे उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। उनका अद्भुत रूप, वो फाइन क्लॉथ में, महीन वस्त्रों में सुशोभित थे, और उनके जो होठ थे बीटल के कलर से, सुपारी के कलर से सुशोभित थे। वो बड़ी प्रसन्नता के साथ गंगा की ओर जा रहे थे। जेते के सुकृति है देखी त हरिश हरिशा, जेते के पाषंडी सब है मेमरिशा। उनको देख करके सारे जो पायस पर्सन थे, जो सारे पुण्यमान व्यक्ति थे, वो प्रसन्न हुए, और जो सारे अतिष्ठ थे वो जो सारे अतिष्ठ थे वो मोरस हो गए, दुखी हो गए, जो नास्तिक थे। ये तो भय सुनिया ए भय नहीं पाए, राजे रे कुमार जे ने नगरे वेदाए। ये सारी र्यूमर सुनने के बाद भी, सारी अफवाह सुनने के बाद भी वो भयभीत नहीं हुए, वो एक राजा के समान घूम रहे थे, एक राजकुमार के समान घूम रहे थे। आर्यजन बोले भाई भूजी लेना थाका, जत देखा ऐ सब पल बार पाका। किसी और ने उनसे बोला भाई मैं समझ गया, वेट है भाई, अभी तुम देखो क्या होता है कुछ देर में। ये सब अपने आप को छुपाने के लिए, वो छुपाने से छुपाने बचने के लिए छुपा रहा है। निर्भय चाहे ना चारी दिखे विषम भर, गंगा रे सुंदर स्रोत पुलिन सुंदर।
विश्वंभर जो है गौरांग महाप्रभु ने चारों ओर बड़े भय रहित देखा, निर्भय होकर देखा, और उनके सामने उस समय गंगा, सुंदर गंगा जी और उनका आकर्षक किनारा था। गाभी एक युथा देखे पुली ने तचारे, हम्बार वे करी ऐसा जल खाई बारे। उन्होंने एक देखा गायों का झुंड एक पास में चर रहा था, ऊर्धव पुच्छ करी केह चतुर दिखे धाये, केह युजे केह सुये केह जल खाए। कई गायों ने अपना पूंछ उठा लिया था और भाग रही थी, कई गायें एक दूसरे से लड़ रही थी, और कई गायें नीचे लेट गई थी, और कई गाय पानी पी रही थी। देखिए गर्जय प्रभु करे हुंकार, मुनि से बोले बार बार। ये सब दृश्य देख के निमाई पंडित जोर से गर्जना करने लगे, मैं वो हूं मैं वो हूं। कौन है? आगे बोलते हैं, मैं नंद का पुत्र कृष्ण हूं। ऐ मत धन गेला श्रीवासी घर की कारी से, श्रीवासिया बोले है उनका। इस मूड में गौर सुंदर तेजी से श्रीवास पंडित के घर की तरफ भागे, और वहां पे जाके बोलते हो, श्रीवास क्या कर रहे हो तुम? नरसिंह पूछिए श्री निवासी जी घरे, पुनः पुनः लाठी मारे ताहरे द्वारे। भगवान ने जाके अपने पैरों से जोर जोर से श्रीवास पंडित के घर पे मार रहे हैं। श्रीवास पंडित अंदर घर पे नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे। कहाँ रे पूजी से कर इस कार धन्य ध्यान, जहां रे पूजी से तारे देखे विद्यमान। निमाई पर गौर सुंदर उनसे पूछ, तुम किसकी पूजा कर रहे हो, किसके ऊपर ध्यान कर रहे हो? देखो जिसको तुम ध्यान कर रहे हो वो तुम्हारे सामने। गौर सुंदर जोर जोर से ऐसा लात, पैरों से उनके दरवाजे पे लात मार के श्रीवास पंडित के घर में जा रहे। ज्वलंत अनल देखे श्रीवास पंडित, हिले समाधि भंग चाहे चारी वो भीत। श्रीवास पंडित ने देखा भयंकर अग्नि जैसा दृश्य देखा, उनका ध्यान टूट गया। उसने अब विश्वास पंडित ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। देखे वीरा सने वासी अछि विश्वंभर, चतुर भुज शंख चक्र गदा पद्मधर। उन्होंने देखा कि विश्वंभर घर में आ गए और चतुर्भुज रूप में शंख चक्र पद्म गदा लिए बैठे। गर्जिते अछाए जैन मत सिंह सार, वाम कक्षे ताली दिया करे हुंकार। और भगवान उसमें जोर जोर से गर्जना कर रहे थे, जैसे नरसिंह देव करते, ऐसे जोर जोर से गर्जना कर रहे थे गौर सुंदर, जैसे एक मद मस्त शेर सिंह गर्जना करता है। और अपने स्टमक के, अपने पेट के उल्टे हाथ पे जोर से मारा उन्होंने। देखिए अहिला कंप श्रीवास शरीरे स्तब्धे, अहिले श्रीनिवास के छिवना स्पर्श। उनको दृश्य देख के श्रीवास पंडित तो कांपने लगा और कंप्लीटली स्पीचलेस हो गया, उनके मुख से कुछ निकल नहीं पा रहा था। डाकिया बले प्रभु आर श्रीनिवास, एतदिन न जानिस अमर प्रकाश। भगवान जोर से बोलते, श्रीनिवास इतने दिन तक तुम मेरे प्रकट के बारे में, मैं प्रकट हुआ जानते नहीं? तोरा उच्च संकीर्तन नादे रहूं कारे, छाड़िया वैकुंठ आईनो सर्व परिवारे। तुम्हारी जोर की चैंटिंग से और नाद से गर्जना करते मैंने वैकुंठ छोड़ गया, और मैं अपने पार्षदों के पास यहाँ आया हूं, प्रकट हुआ। तात्पर्य
देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि श्रीमान महाप्रभु जो थे वो हमेशा अद्वैत आचार्य को नाड़ा, अद्वैत आचार्य को नाड़ा से संबोधित करते थे। नाड़ा के कई मीनिंग हैं, कई बोलते हैं कि नारा शब्द जो है महाविष्णु के लिए है, श्रीदेव स्वामी ने भी इसके बारे में लिखा है भावार्थ टिप्पणी में। नारा मतलब होता है सारे जीवों का समूह, और आयन मतलब होता है आश्रय, तो नारायण मतलब होता है सारे जीव जिसके आश्रय में रहते हैं वो नारायण। या नारायण जिनके सबके, जिन सारे जीवों के आश्रय हैं वो नारायण। यहाँ पे बोले आप सब जीवों के आश्रय, आपको नारायण के नाम से जाना जाता है। एक और मीनिंग है, आप उन सब उस जल का आश्रय है जो नारा से निकलता है। आगे बोला गया जल को नारा बोलते हैं, और वो जल जो है सुप्रीम सोल, सुपर सोल नारा से निकलता है। और जो वो जल जो है उस जल में आयन करते हैं, विश्राम करते हैं, इसलिए भी उनका नाम नारायण। निश्चिंते अच्छा तुम्ही मोर ना जानिया शांतिपुरे गेला नाद हमारे। तो तुम मेरे को पहचाने बिना आराम से रह रहे हो। शिवास पंडित के घर पे जाके गौर शुद्र ऐसा बोल रहे हैं जोर से। और जो नाड़ा है मतलब अद्वैत आचार्य, नाड़ा मेरे को अवॉइड करके, मेरे को मेरे से बच के शांतिपुर चला गया। साधु धारिम दस विना सिमो सब तोरे किच्छु चिंता नहीं पद मोरस्तव। मैं सारे भक्तों का उद्धार करूंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा, चिंता मत करो, मुझे प्रार्थना करो। प्रभु रे देखिया प्रेमे कांदे श्रीनिवास पूछिला अंतर भय पाए आश्वास। शिवास जो है, शिवास पंडित भगवान को देखकर प्रेम से शिवास पंडित ने भगवान को देखा और प्रेम से, और जो उनके मन में भय था वो भगवान के आश्वासन से चला गया। हरि से पुण्यता हिले सर्व कलेवर दांडिया स्तुति करे जुदी दोई कर। श्रीनिवास का जो पूरा शरीर है वो आनंद से भर गया, और वो दोनों हाथों से हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और भगवान को गौर सुंदर ने जो नारायण फॉर्म रूप बताया था उसके सामने प्रार्थना करने लगे। सहजे पंडिता बड़े महाभागवत आज्ञापति स्तुति करे जैन अभिमत। शिवास पंडित एक नेचुरल स्कॉलर, स्वाभाविक विद्यार्थी थे और महाभागवत थे। भगवान के द्वारा आर्डर करने पर उन्होंने अपनी हृदय से प्रार्थना की। भागवते अच्छे ब्रह्म मोह पदो नोदन सही श्लोक पढ़ी स्तुति करे न प्रथम। शिवास पंडित सबसे पहले भागवतम से श्लोक पढ़ा जो ब्रह्मा जी ने बोला था,
जब ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे, जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर कर दिया था, उन ब्रह्मा जी का जिन्होंने ब्रज के बछड़े छुड़ाए थे, तब ब्रह्मा जी कृष्ण के सामने आए थे और ये प्रार्थना किया था। नौम दिया ते भरे वापसु तदित अम्बराय गुंजरम आत्मसे परिपेक्षा लसन मुखाय मन्य सृजे केवल वेत्र विषन वेणु लक्ष्मी श्री ए मृदुपदे पशु पंगज। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी उस समय कृष्ण से, जब वो भ्रमित हो गए थे, कि आप ही मेरे पूजनीय भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ आपको प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और नंद महाराज के पुत्र, आपकी जो आध्यात्मिक शरीर है वो एक फ्रेश बादल के समान, नीले बादल के समान है। आपका जो वस्त्र है वो लाइटनिंग, जो पीला पीतांबर पहने वो लाइटनिंग बिजली चमक जैसा वाला है। और आपके चेहरे की जो सुंदरता, मुखमंडल की सुंदरता है, आपने जो गुंजा ईयर रिंग पहन रखी है उसके कारण पड़ रही है। और पिकॉक फेदर जो है आपके हेड पे है, जो मोर का पंख है आपके, तो उससे आपकी सुंदरता और बढ़ रही है। आपने अलग अलग वनमालाएं पहन रखी है और पत्तियों की माला पहन रखी है, और आप गाय चराने वाली स्टिक है आपके पास, लकुटी है, और आपके पास एक बफेलो हॉर्न है। और एक फ्लूट है, आप बिगुल बजाते हैं और फ्लूट बजाते हैं। और आपने ब्यूटीफुल मॉर्सल, छोटा सा भोजन का कुछ दाने आपके हाथ में लगे हुए हैं। आप इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, विश्वंभर चरण आमार नमस्कार, नव घन वर्ण पिता वसन यहाँ। मैं अपना रिस्पेक्टफुल दंडवत प्रणाम करता हूँ विश्वंभर के चरण कमलों पर, जिनका रंग एक फ्रेशली नए बादल के समान है, और जो पीतांबर वस्त्र में ड्रेस। सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, नव गुंज शिखी पुछ भूषण है जहां। मैं अपना रिस्पेक्टफुल प्रणाम करता हूँ सची के पुत्र के सामने, जिनका मस्तक फ्रेश गुंज फूलों से और मोर के पंखों से है। इस प्रकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वंभर प्रार्थना कर रहे हैं। गंगादास शिष्य पाए मोर नमस्कार, वन माला करे दधी ओदन जहान। मैं उन गंगादास पंडित के स्टूडेंट को प्रणाम करता हूँ, जो वन माला पहनते हैं और जो वृंदावन लीला में दही और चावल अपने हाथ में पकड़े हुए। जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कार, कोटि चंद्र जिनी रूप बदन जहान। मैं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र को प्रणाम करता हूँ। ये सब श्रीवास पंडित बोल रहे हैं, भगवान गौर सुंदर को अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं, और उनके पूर्व जन्म में पूर्व जो पूर्व काल की लीला को भी याद कर रहे हैं, कृष्ण के रूप में जो लीला। मैं जगन्नाथ मिश्र के उन पुत्र को भी प्रणाम करता हूँ, जिनका आकर्षक रूप जो है करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी हरा देता है। संगवेत्र वेणु चिन्ह भूषण जहार से तो मैं तोमार चरण नमस्कार। मैं आपको नमस्कार करता हूं, जो हॉर्न से, स्टिक से, फ्लूट से,
ये कृष्ण रूप का बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो कृष्ण रूप है उसको श्रीवास पंडित बता रहे हैं। हाथ में बिगुल लिए हुए, गाय चराने वाले, लकुटी लेकर, बांसुरी लेके, आप वो भगवान उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये यहाँ पे शिवास पंडित जो भगवान को प्रार्थना करें, वो जब भगवान गौर सुंदर उनके आ गए तो नारायण रूप दिखाया, और उस नारायण रूप के साथ साथ शिवास पंडित उनकी और भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनके चैतन्य रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी कृष्ण रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। चारी वेदे जाने घोषे नंदिर कुमार से तुम्हें तुम्हारे चरण नमस्कार। तुम वही व्यक्ति हो जिसको चारों वेदों में जिसकी महिमा गाई जाती है, तुम नंद पुत्र हो, मैं तुमको पुनः प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से शिवास पंडित गौर सुंदर की, गौरांग महाप्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मस्तवे स्तुति करे प्रभुर चरण स्वच्छंदे बोले जाते, ऐसे बदन शिवास पंडित ने उसी तरह गौर सुंदर की प्रार्थना की जिस तरह ब्रह्मा जी ने कृष्ण की प्रार्थना की, क्योंकि यही कृष्ण तो अभी गौर सुंदर बन के आए हैं। उन्होंने अपने होठों से तत्काल प्रार्थना की, तुम ही विष्णु, तुम ही कृष्ण, तुम ही यज्ञेश्वर, तुम्हारे चरणोदक गंगा तीर्थ वर, जानकी जीवन तुम ही नरसिम्हा, अज भाव आदि तव चरण निर्भंग, तुम ही से वेदांत वेद्य, तुम ही नारायण, तुम ही से चालीला बोली हय ममन, तुम ही हय ग्रीवा, तुम ही जगत जीवन, तुम ही नीला चल चंद्र सवार कारण, आप विष्णु है, आप ही कृष्ण है, आप ही योगेश्वर है, यज्ञेश्वर है, गंगा का पवित्र जल आपके चरण कमलों से निकलता है, आप ही जानकी के जीवन और जानकी के प्राण और आत्मा है, और आप ही नरसिंह देव है, आप ही ब्रह्मा, ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा शिवा और सब आपके सर्वेंट है, सेवक है, आप ही वेदांत को जानते हैं, आप ही नारायण है, आप ही हैं जिन्होंने वामन के रूप में बलि के साथ छल किया था, राजा बलि के साथ, आप हग्रीव हयग्रीव हैं, और आप ही पूरे ब्रह्मांड के जीवन और प्राण, आप ही नीलांचल है, नीलांचल के भगवान है, और आप ही सारे कर्णों के कारण, तुम्हारे माया कर नहीं है भंग, कमल न जाने जा रस सने के संग, आपकी माया से कौन प्रभावित नहीं होता है। हालांकि लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी देवी भी आपके साथ रहती है, वो भी आपकी महिमा को नहीं जान पाती। संगी सखा भाई सर्व मते सेवे, ये है ना प्रभु मोह मने अन्य जने के, आप उन भगवान के, आप उन स्वरूप को भी भ्रमित कर देते हैं जो आपके साथ में है, जो आपके मित्र हैं, जो आपके भाई है, दूसरों को क्या कहना, मतलब आप शेष देव को, अनंत देव को, शेष को भी भ्रमित कर देते हैं। मिथ्या ग्रह वासे मोरे पदी अच्छे भोले, तो मन जानिया मोर जन्म गेले हले, शिवास पंडित बोलते हैं आपने मुझे ग्रस्त जीवन, इस मायावी ग्रस्त जीवन के जाल में फंसा दिया, मैंने केवल मात्र अपना जीवन व्यर्थ कर दिया आपको जाने बिना, ये शिवास पंडित बोल रहे। नाना माया करी तुम्हें हमारे वांछिला, सजी दुती आदि करी सकले बहिला, आपने मुझे बहुत प्रकार से भ्रमित करके मुझे छल किया है, शिवास पंडित बोले नारायण गौर सुंदर को प्रार्थना कर, आप मेरे सर्व सेवक बन के मेरी फ्लावर बास्केट, पुष्पों वाली टोकरी और धोती भी ले उठा के ले आए थे। ताते मोर भय नहीं सुने प्राण नाथ, तुम ही है ना प्रभु मोर हैला साक्षात, हे मेरे जीवन के स्वामी, ध्यान से सुनो, मुझे वो चीज से डर नहीं लग रहा है कि आप अभी मेरी आंखों के सामने प्रकट हुए, अजी मोर सकल दुख
दुखेर हैला नाश, आजी मोरे दिवस हैला प्रकाश। आज मेरा सारा दुख नष्ट हो गया, आज मेरे लिए बहुत शुभ दिन है। आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल, आजी मोर उदय सकल सुमंगल। आज मेरे सारे कार्य और मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरे अंदर सारा अच्छा भाग्य जाग गया। आजी मोर पितृकुल हैले उद्धार, आजी से वसति धन्य हैले आमार। आज से मेरे पूर्वजों तर गए और आज से मेरा घर जो है आपके आशीर्वाद से पवित्र हो गया। ये कब पर प्रार्थना कर रहे हैं? श्रीवास पंडित जो है, जब गौर सुंदर उनके घर आए, जोर से आवाज करते और नारायण के रूप में अपना रूप दिखाया, उसके सामने श्रीवास पंडित प्रार्थना कर रहे हैं। बोल रहे, आज मेरा घर धन्य हो गया, मेरे घर को आशीर्वाद मिल गया आपका। आजी मोर नयन है भागेरे नहीं सीमंता रे, देखी जा रे श्री चरण सेवे राम। आज मैंने देखा, मेरे नेत्रों का इससे बड़ा सौभाग्य नहीं, आज मैं आपको आपके उन चरण कमलों को देख रहा हूं जिनकी सेवा रमा देवी लक्ष्मी देवी भी करती। बोली ते अविष्ट है ले पंडित श्रीवास, उर्ध्व बहु करी कांदे छाड़े घन श्वास। इस प्रकार से बोलते हैं श्रीवास पंडित जो है, भाव में एकदम डूब गए, भगवान के भाव में डूब गए। उन्होंने अपने हाथे उठाया, जोर जोर से रोने लगे और जोर से श्वास लेने लगे। गदा गदी जाए भगव गदा गदी जाए भगवंत श्रीनिवास, देखिया पूर्व गौर चंद्र प्रकाश। बहुत सौभाग्यशाली श्रीवास पंडित उस समय ग्राउंड पे रोल करने लग गए और आनंद के साथ पूरे ग्राउंड पे भूमि पे रोल रोल करने लगे, भूमि पे गिर पड़े और रोल करने लगे, गौर सुंदर के इस रूप को देख के, नारायण रूप को देख के। अद्भुत सुख हिला श्रीवास शरीरे, डूबी लेना विप्रवर आनंद सागरे। श्रीवास पंडित के शरीर में कितना अद्भुत आनंद था, उसको देख के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु करुणा आनंद के सागर में डूब गए। हासिया सुने रे प्रभु श्रीवास रे स्तुति, सदाए हैया बोले श्रीवास रे प्रति। भगवान स्माइल करने लगे श्रीवास पंडित की इस प्रार्थना को सुन के, और श्रीवास के प्रति करुणा प्रदर्शित करते भगवान इस प्रकार बोलते हैं, गौर सुंदर इस प्रकार बोलते हैं। स्त्री पुत्र आदि यते तोमार वदीरा, देखू का आमार रूप करह बहिरा। तुम्हारे स्त्री को लाइए, तुम्हारी पत्नी को लाइए, तुम्हारे बच्चे को लाइए और तुम्हारे बाकी घर वालों को लाइए, मैं उनको अपना रूप दिखाता हूँ। शास्त्री का हैया पूज चरण अमार, वर मांगा जेना इच्छा माने ते तोमार। तुम्हारे पत्नी बच्चों के साथ मेरे चरणों की पूजा कीजिए और कोई भी वर जो मांगना है तुम्हारी इच्छा वर मुझसे मांगिए। प्रभु र पाया आज्ञा श्रीवास पंडित, सर्व परिकर संगे आइला त्वरित। इस प्रकार से भगवान से आज्ञा पाकर श्रीवास पंडित इमीडिएटली अपने फैमिली मेंबर को ले आए उनके साथ। विष्णु पूजा निमित्त जाते के पुष्प चीला, सकल प्रभु र पाए साक्षात दीला। उसने उनके घर में जो भी थे विष्णु की पूजा के लिए, वो सारे पुष्प जो है भगवान के चरण कमलों में दे दिए। गंध पुष्प धूप दीपे पूजी श्री चरण, शास्त्री का है ये विप्र करे न क्रंदन। अपने स्त्री के संग में, पत्नी के संग में जब ब्राह्मण श्रीवास पंडित जो है जोर जोर से रोने लगे, जैसे कि जैसे वो गौर सुंदर की पूजा कर रहे थे, उनके चरणों की, जोर जोर से रोने लगे और सैंडलवुड पेस्ट पर चंदन के लेप से, फ्लावर से और धूप से और लैंप से उनकी पूजा करने लगे। भाई पत्नी दास दासी सकल लय श्रीवास करे न काकु चरण। शिवास पंडित इस प्रकार से अपने पत्नी भाई
नौकर और जो अपनी दासियां थी, मेड सर्वेंट उनके घर में थी, वो सब को लेके पूरा उनके चरणों में, भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया अपने आप। श्रीनिवास प्रियकारी प्रभु विश्वंभर चरण दीन न सर्व शरीर ऊपर। जो विश्वंभर है, भगवान विश्वंभर है, वो श्रीवास के शुभेच्छु, इसलिए उन्होंने अपना सबके ऊपर अपना चरण कमल रख दिया। उन्होंने सबके ऊपर अपना चरण कमल रख दिया। अलक्षिते भूले प्रभु मथाए सवार, हंसी बोले मोते चित्त हऊ सभा का। किसी ने देख नहीं पाया, लेकिन भगवान ने अपने चरण कमलों को सबके सबके सिर पे स्पर्श करवाया। और फिर भगवान स्माइल करने लगे, बोले आपका मन मेरे में फिक्स। ओंकार गर्जना करी प्रभु विश्वंभर श्रीनिवास से संबोधिया, बोले न उत्तर। भगवान विश्वंभर इस प्रकार से जोर से गर्जना करने लगे और श्रीनिवास से इस प्रकार बोले, ओए श्रीनिवास, ओए श्रीनिवास, किछु मन भय पाओ सुनी तो मां धरी ते आई से राजो ना। ओ श्रीनिवास, क्या तुम किसी चीज से तुम्हें भय लग रहा है? क्या कोई ऐसी अफवाह है कि नवाब की नाव में भर के सिपाही आ रहे हैं और तुम्हें अरेस्ट करेंगे, तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, तुम्हें जेल देंगे? ये गौर सुंदर अपने आप बोल रहे हैं, श्रीवास पंडित अंतर्यामी हैं गौर सुंदर। अनंत ब्रह्मांड माझे यत जीव वैसे सवार है, प्रेरे का अमी अपन अरे वैसे। मेरी सुप्रीम इच्छा से मैं इस जगत का निदेशक हूं, अध्यक्ष हूं इन अनंत ब्रह्मांडों का। मुई यदि बोले ना सही राजा रा शरीरे, तबे से बोली बैसे है धरी बारे तर। ये नवाब तुमको तभी अरेस्ट करेगा जब मैं चाहूंगा कि तुम्हें अरेस्ट कर। यदि भाई मत नहे स्वतंत्र, स्वतंत्र है आधार बारे बोले तबे मुनि चन यह। अगर ऐसा नहीं होता, अगर स्वतंत्र रूप से तुम्हारे कहने अगर तुम स्वतंत्र रूप से गिरफ्तार करता तो मैं यही करूंगा। मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता मेरी आज्ञा के बिना। मुनि गया सर्व आगे नौकाए चादी में, ऐ मत गया राजा गोचा रहे हम। अगर वो गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले मैं उस नौका पे चढ़ूंगा और मैं नवाब को अपने अपने आप को नवाब के सामने उपस्थित करूंगा। मोरे देखी राजा रही बे नृपाशा ने, विहल करिया जे पादी मुंह सही खाने। मेरे को देख के क्या नवाब जो है सिंहासन पर बैठा रहेगा? तुम क्या सोच रहे? मैं उसे भ्रमित कर दूंगा और उसको घसीट के नीचे ले आऊंगा। यदि वाये मत न है जिज्ञासी बे मोर, सेह मोर अभिष्ट सुन कही मोर। अगर वो ये नहीं होता और मेरे से प्रश्न करता है वो राजा कि तुम कीर्तन जोर से क्यों करते हैं, अगर वो नवाब प्रश्न करता है उसको मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं देखो क्या उत्तर देता हूँ। सुनो सुनो ओए राजा, सत्य मिथ्या ज्ञान जाते का मुल्ला काजी सब तो रहा। ओ नवाब सुनो, तुम्हारे सारे मुल्ला और काजी को ले आओ, मैं बताऊंगा उनके सामने के सत्य क्या है। मैं बताऊंगा सबके सामने के सत्य क्या है, झूठ क्या है। हस्ती घोड़ा पर
पशु पक्षी जत तोर आछे सकल अनाह राजा आपने रे काछे। ए नवाब, तुम्हारे पास जो हाथी घोड़ा और सब पशु पक्षी हैं उनको सबको ले आओ इधर। ए बहन, आज्ञा कर सकल काजी रे अपना रे शास्त्र कहीं कांदो सवार। और मैं राजा से बोलूंगा कि तुम्हारे काजी से बोलो कि तुम्हारा शास्त्र पढ़े, और तुम्हारे शास्त्र पढ़ने के कारण ये सारे जो पशु पक्षी को रोना चाहिए। ना पारीले तारे यदि एतके करीते तबे से अपना व्यक्ता व्यक्ता करी मो राजा थे। अगर वो सब उनके कुरान पढ़ने से अगर वो पशु पक्षियों की आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं तो मैं नवाब के सामने अपना असली रूप प्रदर्शित करूंगा। ये गौर सुंदर श्रीवास पंडित से बोल रहे हैं कुरान महाप्रभु। संकीर्तन ने मान कर ए गुलार बोले जत तार शक्ति देखी ले सकल। मैं राजा से नवाब से बोलूंगा तुमने संकीर्तन को तुमने अपने साथियों की सलाह पे संकीर्तन रोकने की कोशिश की। अभी देख लो, मैं सबके सामने बताऊंगा तुम्हारे पास कुछ भी पावर, क्या पावर है तुम्हारे पास। मोर शक्ति देखा है बे नयन भरिया एत बलि मत हस्ती अनि मोधरिया। अब मैं फिर नवाब को बोलूंगा अब मेरी पावर देखो अपनी आंखों से। इसके बाद मैं एक मदमस्त हाथी उनके सामने लाऊंगा। हस्ती घोड़ा मृग पक्षी एकत्र करिया शिखाने कानम में कृष्ण बोलिए। मैं सारे हाथी घोड़े हिरण को सारे बर्ड्स को उनके साथ मिलाऊंगा और सबके सामने से बोलूंगा कृष्ण का नाम लो और रो, कृष्ण का नाम लेकर रो। सब पशुओं को बोलूंगा कृष्ण। राजा रे यते के गण राजा रे सहिते सब कदम में कृष्ण बोली भले मत। मैं सबको प्रेरणा दूंगा कि कृष्ण का नाम जपो और रो। किंग को भी राजा को भी उसकी प्रजा को भी बोलो यहाँ ते वा अप्रते तुम ही वास मने साक्षात करो देख अपने नयन। इस बारे में जरा सा भी संशय मत करो। मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो तुम्हारी आंखों के सामने सम्मुख है। देखिए कि बालिका अपनी शिवा से रे भ्रतर सुत नाम नारायणी। उस समय गौर सुंदर ने गौरांग महापुरुष श्रीवास की जो भतीजी थी एक छोटी गर्ल थी जिसका नाम नारायणी थे उनके सामने खड़ी थी। अद्यापि वैष्णव मंडल जार ध्वनि चेतन निर अवशेष पात्र नारायणी। तो वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं नारायणी अभी भी वैष्णव के बीच उसका बहुत ऊंचा स्थान है क्योंकि उसने भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की थी, उनका अवशेष प्राप्त किया। सर्वभूत अंतर्यामी श्री गौरांगेर चंद आज्ञा कैला नारायणी कृष्ण बोली कान कान। गौरांग महाप्रभु ने उसी समय नारायणी को ऑर्डर दिया नारायणी जो भतीजी थी श्रीवास हरे कृष्ण का नाम लो रो चैंट चैंट एंड क्राई। चारी वसरे रसे उन्मत्त चरित हा कृष्ण बोलिया कांदे नहीं कसम। 4 साल की वो बच्ची जो है वो पागल जैसी हो गई जोर जोर से ओ कृष्णा करके जोर जोर से रोने लगी और अपने आप को भूल गई। वो उन्मत्त हो गई कृष्ण प्रेम से। अंग बही पड़े धार पृथ्वी रग तले परिपूर्ण हैले स्थल नारायण जले। उसके आंखों से आंसू आने लग गए नीचे पूरे ग्राउंड में और पूरा एरिया गीला हो गया। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से गौर सुंदर की कृपा। हंसिया हंसिया बोले प्रभु विश्वंबर एखाने तोमार की गुच्छीला सबदर। उस समय हंसते हंसते गौर सुंदर बोलते हैं देखो इस बच्ची को देखा मैंने बोला था कृष्ण प्रेम रो अभी देख लिया तुम्हारा संशय दूर हो गया कि मैं क्या कर सकता हूँ। महा महाभक्त श्रीनिवास सर्व तत्व जाने असफल या दुई भुज बले प्रभु स्थान। जो महावक्ता था स्पीकर श्रीनिवास वो तो सारे सत्य को जानते थे। उसने उसी समय अपने हाथ उठाए और भगवान से बोले गौर सुंदर से बोलते हैं
काल रूपी तुम्हारे विग्रह भगवान, जाखने सकल सृष्टि समहृदयान, ताखने न करी भय तोर नाम बले, एखाने किसेरा भय तुम्हें मोर कर। उसी समय शिवास पंडित बोलते हैं उनसे, हे भगवान, आप काल के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड को निगल लेते हैं, मैं आपके पवित्र नाम के कारण मैं किसी से डरता नहीं हूं, सो उस चीज से क्यों डरूंगा जब आप स्वयं उपस्थित हैं। यही चीज कपिल देव अपनी माता से, देवती से बोलते हैं, मेरी प्रिय माता, जिन डिवोटी के पास ऐसा आध्यात्मिक ऐश्वर्य रहता है, कभी इससे रहित नहीं रहते हैं, उनको कभी शास्त्र से डर नहीं लगता, उनको काल से डर नहीं लगता, उनके ऐश्वर्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्यों क्योंकि जो भक्त लोग होते हैं, मुझे अपना मित्र मानते हैं, मेरा संबंधी मानते हैं, मुझे अपना पुत्र मानते हैं, मुझे अपना गुरु मानते हैं, मुझे अपना वेलविशर मानते हैं, मुझे और मुझे अपना, उनके कोई वो कोई भी किसी भी ऐश्वर्य से रहित नहीं रहते। बोलिए अवस्था हैला पंडित श्रीवास, गोष्ठी रा संहिता देखे प्रभु रा प्रकाश। इस प्रकार से बोल के जो श्रीवास पंडित था वो और भी आनंद से रोमांचित हो गया, और उसके बाद में उन्होंने और उनके साथियों ने सबने भगवान का ऐश्वर्य देखा। चारी वेदे जाने देखी बारे अभिलाष, तहां देखे श्रीवास यत दासी दास। जिन जिन भगवान को चारों वेदों के देखने की इच्छा है रहती, चारों वेद उनको देखना चाहते हैं, उनको अभी श्रीवास पंडित अपने सेवक और सेविकाओं के साथ देख रहे, दर्शन कर रहे। की बोली बा श्रीवास उदार चरित, जहां रे चरण धूले संसार पवित्र। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मैं श्रीवास पंडित के उस उदार चरित्र की क्या, उदार विश चरित्र की क्या बताऊं, उनके उस चरण की धूली सारे जगत को पवित्र कर देती। कृष्ण अवतार जिन वासुदेव घरे, जते कवि हार सब नंदिर नंदिर। कृष्ण वसुदेव के घर में हुए थे और उन्होंने नंद महाराज के, कृष्ण वसुदेव के घर में जन्म लिए थे और नंद महाराज के घर में उन्होंने सारी लीलाओं का आनंद लिया था। जगन्नाथ घरे हैला ए अवतार, श्रीवास पंडित घरे जाते कवि हार। उसी प्रकार से भगवान का जन्म, गौर सुंदर का जन्म जगन्नाथ मिश्र के घर में हुआ, लेकिन आनंद किसके घर में ले रहे हैं, श्रीवास पंडित के घर में। सर्व वैष्णव मेरे प्रिय पंडित श्रीवास, पान बड़ी गेले मात्र समारे उल्लास। श्रीवास पंडित जो है वो वैष्णव के बहुत प्रिय हैं और सारे वैष्णव उनके घर में प्रवेश करते से बहुत आनंद प्राप्त करते थे। अनुभव जाने स्तुति करे वेद मुखे, श्रीवास रे दास दासी तारे देखे। जो सुप्रीम लॉर्ड है, जिनकी सारे वेद लोग मिलकर स्तुति करते हैं, उनका बहुत सरलता से दर्शन हुआ। श्रीवास पंडित के सेवक और सेविकाओं ने उनका बहुत सुंदर तरीके से दर्शन किया। एतक के वैष्णव सेवा परम उपाय, आसाय मिले कृष्ण वैष्णव कृपाय। इसीलिए कहा जाता है कि वैष्णव की सेवा टॉप मोस्ट सेवा है, क्योंकि वैष्णव के कृपा से व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर सकते। श्रीनिवास आज्ञा कैला प्रभु विशंभर, ना कहिलो ए सब कथा कहार कहार गोचर। लॉर्ड विशंभर ने इस प्रकार श्री प्रकाश श्रीवास पंडित से कहा, ये जो लॉर्ड विशंभर मतलब गौरांग महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा, ये जो लीला की मैंने आपके घर में, किसी को बताना मत। बाह्य पाई विशंभर लज्जितांतर, अश्रवासी यश्रेवश गेला निज घर। जब गौर सुंदर को बाह्य चेतना आई तो विशंबर गौर सुंदर जो है उनको लज्जा आई, मैंने इतनी लीला कर ली। इस प्रकार से श्रीवास पंडित से सांत्वना प्राप्त करके
गौर सुंदर अपने घर चले गए। सुख माया हाइले तबे श्रीवास पंडित पत्नी वधु भाई दास दासी रे सहित। तब श्रीवास पंडित अपनी पत्नी के साथ में, अपने भाइयों की पत्नी के साथ में, उनके भाइयों के साथ में, उनके सेवकों के साथ में, सेवकों के साथ में, सब लोग सुख से आनंद से भर गए। श्रीवास करीला स्तुति देखिया प्रकाश यहाँ जय सुने सही है कृष्णदास। जो कोई भी शिवास पंडित की लीलाओं को श्रवण करता है, भगवान के स्वरूप का दर्शन करके, जो भी श्रीनिवास पंडित ने जो भगवान को प्रार्थना की, उस प्रार्थना को सुनता है, वो जरूर कृष्ण का भक्त बन जाएगा। अंतर्यामी रूपे बल राम भगवान आज्ञा कैला चैतन्य रे गाते आख्यान। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि बलराम जी ने परमात्मा के रूप में मुझे अंदर से चैतन्य महाप्रभु के विषयों की महिमा गाने को बोला है। वैष्णव रे पाए मोर ऐ नमस्कार जन्म जन्म प्रभु मोर हऊ काल धार। मैं वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मैं सारे वैष्णवों को प्रणाम करता, दंड प्रणाम करता हूं, जिससे उनकी कृपा से हलधर जो है, मतलब बलराम जी मतलब नित्यानंद, वो जन्म जन्म मेरे भगवान बने रहे। नरसिम्ह यदुसिम्ह जैन नाम भेद ऐ मत जानी नित्यानंद बलदेव। जैसे नरसिम्ह और यदुसिम्ह एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम है, उसी प्रकार से नित्यानंद बलदेव एक ही व्यक्ति है, दोनों अलग अलग नाम है। ये वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर के गुरु नित्यानंद थे या बलराम थे। चेतन चंद्र न प्रिय विग्रह बल्लाई एबे अवधूत चंद्र करी जा रही गाई। बलदेव जी जो है वो डियर मोस्ट पर्सनैलिटी, चेतन चंद्र चैतन्य महाप्रभु के प्रिय मित्र हैं, अब वो अवधूत चंद्र के नाम से जाने जाते। मध्य खंड कथा भाई सुने एक चित्ते बत्सरे का कीर्तन है करीला जे न मते। वृंदावन दास ठाकुर कहते भाइयों ये मध्य खंड की कथाओं को, सारे विषयों को ध्यान पूर्वक सुनिए, ये भगवान के संकीर्तन लीलाओं को बता रहे हैं। एक साल में जो संकीर्तन लीला है उसको बता रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान वृंदावन दास ताछु पद युग गान। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपना प्राण आत्मा मान के मैं वृंदावन दास उनके चरणों में उनकी महिमा का गुणगान करता हूं। इस प्रकार से मध्यखंड का ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन लीला का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात अगले अध्याय में आएगा भगवान जो है अभी मुरारी गुप्त के घर में लीला करेंगे। जैसे श्रीवास पंडित के घर में नारायण रूप दिखाया, ऐसे मुरारी गुप्त के घर में अपना वराह रूप दिखाएंगे, और उसके बाद वो उसके पश्चात वो नित्यानंद प्रभु से मिलेंगे। ये लीला जो है इसी के चैतन्य भागवतम के तीसरे खंड मध्य खंड के तीसरे अध्याय में, तो इसको आज समय हो रहा है, इसको आज यहीं पे विराम देते हैं, और कल जो मुरारी गुप्त के घर भगवान की वराह लीला होगी उसका श्रवण करेंगे, और किस तरह चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की भेंट होती। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा।
आज रास पूर्णिमा की सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, रास पूर्णिमा देव दिवाली की सभी भक्तों को बधाई। आज दामोदर महीने का कार्तिक मास का अंतिम दिन है, सभी लोग भक्त जो है मंदिर जाके दर्शन कर सकते हैं, हरे कृष्ण, दीप दान कर सकते हैं अपने अपने घरों में भी, मंदिर में। हरे कृष्ण।